कर दी गई थी 5,000 रुपया। अब उस पर हर एक फ्लैट को बनाने का जो खर्चा बैठेगा बहुत होगा, 2 लाख लगेगा, क्योंकि जब बल्क में बनाएंगे तो चीज सस्ती पड़ेगी, बल्क में बनाएंगे तो चीज सस्ती पड़ेगी। बेच कितने में रहा है? 6 लाख। तो हर हालत में 3 लाख तो प्रॉफिट आया ही आया। उसी तरीके से बल्क में डेटा खरीद लेती है मोबाइल कंपनी और उसके बाद से प्लॉटिंग करके हमें और आपको बांटती है। तो ये तीनों कंपनी अब जो टावर बनेगा, टावर TR3 कंपनी जिसके रिस्पॉन्सिबल है, टावर बनेगा, टावर में ऑपरेटर लगेगा, डीजल लगेगा, उसमें वहाँ सब स्टेशन बनेंगे, वहाँ से उस नेटवर्क को सिग्नल के द्वारा हर मोबाइल तक पहुँचाया जाएगा। इन सब के का खर्चा किसको पड़ रहा है? मोबाइल ऑपरेटर को। कौन है? टाटा, रिलायंस, वोडा, आइडिया, BSNL, इन सब का अब खर्चा पड़ रहा है। तो वो इन्वेस्ट कर रही है। एयरटेल के कम से कम हमारे देश में 1 लाख टावर होंगे, नहीं होंगे पूरे देश में होंगे, तो 1 लाख टावर फ्री में बन गया। अगर टावर वहां ऑलरेडी था तो रेंट पर लेना पड़ेगा, BSNL का अगर था या एयरटेल का था या जियो का था तो रेंट पर लोगे, वो किराया देना पड़ेगा। ये बगल में जो टावर है, इसके आगे भी जो टावर है, वहां पर कहीं ना कहीं पावर चाहिए, तो पावर के लिए या तो डीजल लगेगा, जनरेटर लगेगा, तो एक आदमी चाहिए, उसका हम लोग किराया देते हैं। बहुत लोग हैं ना जिनके घरों में टावर लगा होता है और 5,000 या 6,000 रुपया देके उस एक आदमी को नौकरी दी जाती है, डीजल पहुंचाया जाता है, ये सब खर्चा किसका बैठ रहा है? मोबाइल ऑपरेटर का बैठ रहा है। साथ में इन तीनों TR1, TR2, TR3 के मेंटेनेंस में भी पैसा लग रहा है रोज। आज वो टूट गया, आज वहाँ सिग्नल खराब है, आज यहाँ से डाटा नहीं आ रहा है, आज ये मशीन खराब हो गई, होगा कि नहीं होगा? जहाँ लाखों डिब्बे बने हुए हैं, करोड़ों टावर हैं, वहाँ खराबी आने के चांसेस हैं कि नहीं है? बात समझ में आया? तो TR4 कंपनी, TR4 इज यूजर, TR4 हम हैं, TR4 यूजर और कंज्यूमर। अब कंज्यूमर एक्चुअली कॉल का पैसा नहीं दे रही, SMS का पैसा नहीं दे रही और ना ही इंटरनेट का पैसा दे रही है। एक्चुअली वो दे किस रहा का रही है? इन सब बॉडीज ने जो पैसा फंसाया है उसका एक रेंट दे रही है, मेंटेनेंस रेंट दे रही है। कोई दिक्कत? चौथी पीछे चाहे पांचवी पीछे, आपने आज तक सवाल किया कि सर नेट पहुंचता कैसे है हमारे तक? ध्यान दीजिए मेरी बात पर। आपके मोबाइल में सिर्फ 4 वाट का बैटरी है, 3000 mAh उसका स्ट्रेंथ है, 6000 उसका स्ट्रेंथ है, उसकी कैपेबिलिटी है,